ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गुजरात PSC टूटर रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। नेम ऑफ द बोर्ड गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GPSC बोलते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 42 है, यानी कि इसके अंदर कुल 42 पद निकाले गए हैं। नेम ऑफ पोस्ट टूटर की है। कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती गुजरात स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। स्टार्टिंग डेट 2 जनवरी 2019 2:01 बजे से। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 17 जनवरी 2019 2:01 बजे तक। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें थ्रू ऑनलाइन मोड से ही आवेदन कर पाओगे। जॉब लोकेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुजरात, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग गुजरात के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट www.gpsc.gujarat.gov.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपको इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि एक रिलेवेंट फील्ड में, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन करेंगे उनकी एज लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, तो चलिए वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। फॉर जनरल UR कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 37 साल है। एज विल बी कंसिडर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन 17 जनवरी लास्ट डेट है तब तक की आपकी काउंट की जाएगी एज। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी कि आपको छूट कितनी दी जा रही है। 5 ईयर्स फॉर वुमेन कैंडिडेट, 5 साल की वुमेन कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट्स को है। 10 ईयर्स फॉर PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट दी जा रही है। एप्लीकेशन फीस, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन करने जा रहे हैं उन्हें एप्लीकेशन फीस के रूप में कितने रुपये देने होंगे। जनरल कैटेगरी को उसमें आवेदन करने के लिए ₹100 एप्लीकेशन फीस के रूप में देनी होगी। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है, वो लोग इसमें मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं। और ये फीस आपको थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई चालान के माध्यम से जमा करानी होगी। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बता देता हूँ, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं उनका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। डेट्स फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि जो टेस्ट और इंटरव्यू की डेट्स हैं उनकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। पैथोलॉजी ट्यूटर क्लास टू स्पेशल ड्राइव के लिए जो टेंटेटिव डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट की है वो 5 मई 2019 है। टेंटेटिव डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर, यानी कि आपका इसका रिजल्ट कब आएगा, उसकी टेंटेटिव डेट यानी कि अनुमानित July 2019 है। अनुमानित डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू की अनुमानित डेट October 2019 है। पैथोलॉजी ट्यूटर क्लास 2 जनरल ड्राइव के लिए जो अनुमानित डेट है टेस्ट की वो 26 मई 2019 है और रिजल्ट इसका August 2019 में आएगा और इसकी इंटरव्यू की डेट December 2019 तय की गई है। एनाटोमी ट्यूटर के लिए जो इंटरव्यू की डेट है, नहीं एग्ज़ाम की डेट है, वो 31 मार्च 2019 है और इंटरव्यू की डेट, नहीं इसका रिजल्ट July 2019 में आएगा और October 2019 को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर के लिए जो एग्ज़ाम की डेट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वो 12 मई 2019 है और उसका रिजल्ट August 2019 में आएगा और आपका इंटरव्यू November 2019 में लिया जाएगा। फिजियोलॉजी ट्यूटर क्लास 2 के लिए आपका एग्ज़ाम 19 मई को होगा और August 2019 को आपका रिजल्ट आएगा और November 2019 को आपका इंटरव्यू होगा। फार्माकोलॉजी ट्यूटर क्लास 2 के लिए आपकी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो 2 जून 2019 को होगा और इसका रिजल्ट अगस्त 2019 में आ जाएगा। December 2019 को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब मैं आपको सैलरी के बारे में ही बता देता हूँ, यानी कि इन पदों पर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको 53,100 से लेकर 1,67,800 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, जो कि 7th पे कमीशन Level 9 इसके अंदर आता है। वैकेंसी डिटेल, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। पैथोलॉजी ट्यूटर क्लास 2 स्पेशल ड्राइव के लिए 15 पद निकाले गए हैं। पैथोलॉजी ट्यूटर क्लास 2 जनरल ड्राइव के लिए 7 पद निकाले गए हैं। एनाटोमी ट्यूटर क्लास 2 स्पेशल ड्राइव के लिए 2 पद है। बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर क्लास 2 के लिए 8 पद है। फिजियोलॉजी ट्यूटर क्लास 2 के लिए 6 पद है। फार्माकोलॉजी ट्यूटर क्लास 2 के लिए 4 पद है, जो कि कुल मिलाकर के होते हैं 42 पद। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ।
लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। इसमें आवेदन करने की जो शुरुआत तिथि है वो 2 जनवरी 2019 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2019 है। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या उसको रीड करना है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर पाओगे और रीड भी कर पाओगे। साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दे दूँगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है। दोस्तों, अब मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप गलत जानकारी देते हो, तो इसलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन शो कर रहा हूं। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसका ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ से जो डिटेल्स मैंने बताई वो मैच कर सकते कि वो सही है या नहीं, तो आप उसके बाद ही मुझे कमेंट करना कि सर आपने गलत जानकारी दी है। और आप चाहे तो जो डिटेल्स मैंने वीडियो में नहीं बताई है वो यहाँ पर अच्छे से देख भी सकते हो दोस्तों। तो इसके मैं इसलिए हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर रीड कर ले, तो आप इसके लिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना। और यहां से जो आपको अन्य जानकारी चाहिए जो कि वीडियो में नहीं बताई है, उसके लिए भी आप इसको रीड करना चाहे तो कर सकते हो। और साथ ही इस वीडियो के आखिरी में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा मिलती रहेगी।